हेलो गाइस, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है जैसे एक क्वेश्चन हम एक लिखते हैं एलिस्पोट ऐसे। एलिस्पोट ऐसे इज़ यूज फॉर मेजरिंग, मतलब एक ऐसे है जो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टी सेल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, कि टी सेल्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम एलिस्पोट जो ऐसे होते हैं वो यूज़ करते हैं। एलिस्पोट ऐसे को ही हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सपोर्ट ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंसी इज़ अ फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। लेटेंसी किसका फीचर है, वो है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरसेस। और अगर मतलब अगर HIV भी जो है वो लेटेंसी मतलब उसका एक फीचर है। एक्चुअली होता है क्या है कि ये वाले वायरसेस जो होते हैं वो बॉडी में बड़े टाइम तक जो होते हैं वो ऐसे ही विदाउट एनी सिम्टम्स जो हैं हमारी बॉडी में रहते हैं, और बहुत मतलब टाइम बाद जो हैं वो सिम्टम जो है वो शो करते हैं, तो वो लेटेंट स्टेज में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज यूज फॉर सेलिनोसिस्टीन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सेलिनोसिस्टीन के लिए जो कोड करता है अमीनो एसिड्स वो है UGA, और ये हमारे पास स्टॉप कोडोन की तरह भी काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जितने भी हमारे पास इम्यून सेल्स में ऑटो रिएक्टिव जो टी सेल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, वो उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। इसके थ्रू जो है जितने भी ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, नेक्स्ट मिलते हैं कल वाले वीडियोज़ में।